हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है। आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हम निकालेंगे कि फर्स्ट एन टर्म्स का एपी का सम क्या होगा। इसका ये मतलब है कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है और कोई भी एन टर्म है वहां तक लेके सारी टर्म्स तक अगर सबको ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है। ओके, सो हमने देखा है एपी का फर्स्ट टर्म होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इससे लेके जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक। ओके, तो इसका सम क्या होगा? सम होगा इन सबको आपस में प्लस करना, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस सो एंड सो। ओके, सो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला आता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ये सब ऐड करने के बाद जब हम कॉमन लेंगे तो आएगा एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि nth टर्म। एन बाय टू ब्रैकेट ए प्लस nth टर्म। बट जो मेन फॉर्म है इस फॉर्मूले का वो ये है, हम इसको यूज करेंगे। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सम करने के लिए। ओके, सो अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी क्या दिया है? 8 3 माइनस 2। ओके, तो हियर ए क्या है? ए होता है फर्स्ट टर्म, तो वो 8 हो गया। डी क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे आएगा -5। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है? 22। ओके, सो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला सम का फॉर्मूला जो देखा एन बाय टू 22 बाय टू टू ए टू इंटू एट प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या वैल्यू है? 11 इंटू -89 इज इक्वल टू -979। सो दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक और सम देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें ये सम है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। ओके, सो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 1 2 3 से लेकर एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब इनका सम निकालना है। ए क्या हो गया? फर्स्ट टर्म यानी कि 1 हो गया। डी क्या हो गया? डी भी 1 हो गया। ओके, और लास्ट टर्म है एन। तो सम आएगा, सम आया एन बाय टू इंटू 1 प्लस एन। 1 फर्स्ट टर्म है यानी कि एन इंटू एन प्लस 1 बाय टू। सो द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स इज एन इंटू एन प्लस 1 बाय टू। सो स्टूडेंट्स, यही थे बेसिक क्वेश्चन।
एपी के इस फॉर्मूला पे। अब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है।